पहले सुनिए जी, पहले मेरा एक सवाल सुनिए जी। सुनिए, हिंदू मुसलमान का शब्द आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। आपने उठाया तो हमको गुमराह कर रहे हो। जब हम कहते हैं कुछ नहीं, हम तुमको जवाब देंगे। आपने उठाया, हमने नहीं उठाया। और फिर आपने क्या कहा कि आप हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहते हैं? क्या चाहते हो आप लोग? मैंने ये नहीं कहा। अगर समझ रखा हमको, देखो कुसुम जी, आपकी भावना आप कहते हो कि हिंदू मुसलमान पहले हुआ था, और फिर हमसे कहते हो हिंदू मुसलमान करके दंगा कराना चाहती हो। एक चीज बताइए, आपने एक बड़ा इल्जाम लगाया माननीय कुसुम जी कि योगी जी उनसे जलते थे, पर योगी जी तो खुद हिंदू सभी के नेता है। योगी जी क्यों चलते रहे उन्हें कमलेश से? पहले आप पूछते हैं, फिर कचड़े में खड़ा कर देते हैं लाके हमको। खेलना बंद कर दो। योगी जी क्यों चलते थे कमलेश? खेलना बंद कर दो। आपने ऐसा क्यों कहा? तुम लोगों से बहुत सीखे गए हैं। सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, जनता के खिलाफ तो बोल सकते हो। तो बोलिए को कोशिश है, और किसने मना किया बोलिए। सरकार के खिलाफ बोलोगे चैनल बंद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे चनवरे, मेरे भाई, मेरी बहन, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा वीडियो है, टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है। जैसा कि कमलेश तिवारी जो कि सोशल मीडिया पे इस टाइम उसका बहुत ज्यादा चल रहा है कि उसने गुस्ताखी की थी, गुस्ताखी के ऊपर उसको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसको देखा देखी तीन मुस्लिम भाइयों को पकड़ा और बंद कर दिया गया। जैसा कि टाइटल में आपने देखा होगा कि गुस्ताखी करने वाले जो लोग थे, गुस्ताखी यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो कर रहे थे, जिस तरह के अगर कोई सबसे पहले अगर कोई अड़के में आया तो वो था कुंवर। मैंने कोशिश की थी उपदेश राणा को बीच में लाने की कि वो भी जहर है गुस्ताखे रसूल था, तो उसका भी हशर जो होना था वो बहुत ही बुरा होना था, लेकिन उसकी लक अच्छी कि वो दुबई नहीं आया। खैर, कुंवर ने भी गुस्ताखी की, उसने भी बहुत कुछ किया, लेकिन ये था कि पूरी हमारी टीम ने जितनी भी कोशिश की उसको भी एक साइड पे लगा दिया। तो अभी जो इसके अलावा भी और बहुत सारे जो इंडिया में बैठ के ये सब कुछ करते हैं, और अब जो कमलेश तिवारी जो है, जिसको मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि इसको किसी मुसलमान ने मारा है और इसने गुस्ताखी की थी, उस सारी सिचुएशन को लेकर मुसलमान और हिंदू का आपस में आतंक बना रहे हैं किस्म का, जो मतलब चल रहा है, जो आजकल इंडिया के अंदर चल रहा है। और काफी सारे यूट्यूबर भी मैंने देखे जो इसी चीज को, हिंदू जो यूट्यूबर है जिन्होंने ये कहा था कि तबरेज अंसारी के ऊपर ये कुछ हुआ था, तो आप सब लोग एक होके आवाज बनाए, अब क्यों नहीं आपकी आवाज आ रही? तो अगर जितने भी मेरे ये भाई दोस्त मेरा ये वीडियो देखेंगे, उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि थोड़ा सारा मैसेज सबके पास चला जाए, सबको इस चीज की समझ आ जाए। सबसे पहले मैं अपने सारे इंडियन भाइयों से, दोस्तों से ये बोलूंगा कि इंडिया के अंदर जब से मैं यूट्यूब के ऊपर हूं, कितने मैंने मुसलमानों के ऊपर जय माता के नाम से, गौ माता के नाम से, जो भी था एवरीथिंग, उन सब के नाम से मुसलमानों को किस किस तरह मारा गया, क्या कुछ किया गया, तो क्या वो बदला नहीं लेंगे? चलो वो बदला नहीं लेते। अभी जो कश्मीर कितने दिन से बंद किया गया है, वहां पे माओं बहनों के साथ जो गलत काम किए गए, क्या वो जो कश्मीरी मर्द है, मुसलमान है, वो बदला नहीं लेंगे? जरूर लेंगे। लेकिन अभी जो मेन टॉपिक है, मेन इश्यू है, वो कमलेश तिवारी का, जिसको लेकर ये बात फैलाई जा रही है कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, कि गुस्ताखी की वजह से इसको मारा गया है। तो जो लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि मतलब उसको गुस्ताखी के ऊपर मारा गया है, अभी ये कमलेश तिवारी की अम्मी है, उसकी वालदा है, वालदा मुहतरमा है, इनकी मैंने तस्वीर लगाई है, इनका ये बयान है कि इसको हिंदू मुस्लिम ना करो, इसको मरवाया आदित्यनाथ योगी ने, और उन्होंने लाइव बैठ कर ये चीज बोली है कि इस केस के ऊपर सारा आदित्यनाथ योगी है, इसमें किसी मुसलमान का हाथ नहीं है, और हिंदू मुस्लिम नहीं करो। तो अगर आप ये सारी चीजें चेक करो, अगर देखा जाए तो कितने, ये तो फिर थोड़ा पावर में था कमलेश तिवारी, इससे कम जर लोग जो छोटे छोटे लोग हैं जो इस्लाम के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर, इस्लाम के ऊपर कितना कुछ बोले हैं, आज तक उनमें से कोई भी मरा नहीं है। अगर इस तरह ये मरा है, इसको अगर किसी मुसलमान ने मारा है, तो बहुत सारे ऐसे गुस्ताखे रसूल इस टाइम इंडिया के अंदर फिर रहे हैं जो जिंदा हैं। ये मैं उन हिंदू भाइयों का मैसेज दे रहा हूं जिनको थोड़ा अपने दिमाग से सेंस लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ये चीज गलत है या सही हो रही है। ये आपके इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ RSS BJP जो है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का रही है और आप लोगों की लाइफों को तबाह कर रही है। मैंने ये चीज हमेशा बोली थी कि आप लोग वक्ती जो है अपने थोड़े वक्त खुशी के लिए RSS और BJP का साथ तो जरूर दे रहे हो, लेकिन गलत आपके साथ भी होना है, और ये उसी चीज का हिस्सा है। इसको मारा आदित्यनाथ योगी ने ही मरवाया, क्योंकि वो गवर्नमेंट मतलब पुलिस का ऊपर भी बैठा हुआ है, वो है
वो उसके अंदर सारी मतलब पुलिस आती है, पुलिस स्टेशन आते हैं, वो जिसको प्रोटोकॉल जितना जितना देना वो उसने देना है। तो उसने ही इसकी प्रोटोकॉल जो था वो हटाया, इसके साथ एक बंदा लगाया, एक बंदा मिठाई लेके गया और वो उसको मार दिया। क्यों मारा वो उसकी अम्मा से सुन लीजिए, उसकी माँ जी से सुन लीजिए कि इन दोनों की आपस में लगती नहीं थी, योगी आदित्यनाथ की और इस कमलेश तिवारी की, इन दोनों की आपस में लगती नहीं थी, जिसकी वजह से योगी ने इसको मरवा दिया। खैर जो भी था, मेरा मेन मकसद जो वीडियो बनाने का था वो सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक मैसेज देना था कि आप लोग थोड़ा कूल माइंड रहा करें, थोड़ा समझ के बात किया करें, एक दूसरे की जान के दुश्मन बनना कम कर दें, क्योंकि अभी भी आपने बहुत कुछ देखना है। जो जुल्म मुसलमानों के ऊपर इंडिया के अंदर हुआ है उसको तो एक साइड पे रखो, जो जुल्म इंडिया में किया गया है, मोदी ने किया है, उन लोगों का खून जो है वो कभी ठंडा नहीं होगा, वो बदला जरूर लेंगे। लेकिन आप लोगों ने अपने पीएम, अपने सिस्टम के ऊपर आवाज उठानी है कि कल कुछ गलत ना हो। तो बस अभी के लिए मैं इतना ही वीडियो बनाऊंगा, सारे दोस्तों से यही बोलूंगा कि इस केस के ऊपर अगर उसकी अम्मा को देखा जाए, उसकी माँ जी को देखा जाए, जहर उसकी माँ है उसको सब कुछ पता होगा, उन्होंने सीधा सीधा ब्लेम जो है वो आदित्यनाथ जोगी के ऊपर लगाया है कि उसने इसको मरवाया है। तो यही हकीकत है कि उसी ने मराया, अगर गुस्ताखी की वजह से मारा जाता तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोग भी हैं जो गुस्ताखी कर रहे हैं लेकिन जिंदा फिर रहे हैं, वो नहीं मरे और ये मर गए, ये अजीब सी बात है। तो बस अभी के लिए मैं वीडियो को बंद करता हूं, मेरे सारे भाइयों को सारी बहनों को दिल से अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता उनका बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। जाते जाते एक मैसेज मैं देता जाता हूं अपने अवर ऑल जो इस टाइम इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख भाई हैं, आपका बहुत नाजुक टाइम है, इसको आप संभल के चलो, देख सुन के चलो, यही आपके लिए सबसे बेहतर है। और धर्म और मजहब पे थोड़ा कंट्रोल करें, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, एवरीथिंग, थोड़ा धर्म को लेके कम बात करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज।